हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कोरियन ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं। इस ड्रामा का नाम बिजनेस प्रपोजल है। तो चलो शुरू करते हैं। इस ड्रामा में दिखाया गया है कि शिन हा री एक कंपनी में काम करती है। उसका एक मेल फ्रेंड होता है जिस पर उसे बहुत लंबे समय से क्रश होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो वह बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिन यंग सेओ से मिलने जाती है। जिन यंग सेओ चाबोल फैमिली की बेटी होती है और वो बहुत अमीर होती है। जिन यंग सेओ शिन हा री को अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है और वो इसके लिए उसे पैसे भी देती है। वो उसके ऑफर के लिए मान जाती है। शिन हा री जिन यंग सेओ की जगह ब्लाइंड डेट पर जाती है और वो वहाँ बेवकूफी भरी हरकतें करती है जिससे वो रिजेक्ट हो सके। उसकी ब्लाइंड डेट कांग टेम्यू के साथ होती है। वो उस कंपनी का सीईओ होता है जहां वो काम करती है। ये कंपनी कांग टेम्यू के दादाजी की होती है। ये ब्लाइंड डेट उसके दादाजी उसके लिए सेट करते हैं। कांग टेम्यू वर्कहोलिक होता है और वो ब्लाइंड डेट पर जाने से बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जिस लड़की से ब्लाइंड डेट पर मिलेगा उससे शादी कर लेगा जिससे उसके काम में कोई डिस्टरबेंस ना हो। और जब वो शिन हा री से उसे जिन यंग सेओ समझ कर मिलता है तो वो उससे शादी करने का फैसला करता है। अब क्या उसे पता चल पाता है कि शिन हा री उसकी कंपनी में काम करने वाली एक वर्कर है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। ये एक बिजनेस कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। आपको इसमें शिन हा री और कांग टेम्यू की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। ये वेबटून बेस्ड ड्रामा है। इसकी स्टोरी लाइन कमाल की है। इसमें आपको अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है। इसकी हिंदी डबिंग अच्छी की गई है। इसमें आपको एक्टर्स की अच्छी एक्टिंग देखने को मिलती है। ये एक अच्छा ड्रामा है। आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।